राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, काफ कर दें राजेश जी तो प्रारंभ किया जा सके। जी सूक्त पांच यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 19। ओम गावा उपावत अवतम मय्यजस्य रप्सुदा उभाकर्णा हिरण्यया। मंत्रार्थ गावह शब्द वचन उपकार समीप अवत रक्षा करें मही महान यजस्य यज्ञ की रप्सुदा स्पष्ट वाणी देने वाले उभा दोनों हिरण्या हिरण्य में कर्णाकान युक्त कान युक्त अवतम रक्षा करें। भावार्थ यजन की स्पष्ट वाणी देने वाले रक्षा की गई वाणी की हिरण्य में दोनों कानों से निकट रक्षा करो। स्पष्ट बोलने की क्षमता मनुष्य को परमात्मा का विशेष उपहार है। परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे निकट हमारे दोनों कानों से उसकी रक्षा करे। स्पष्ट वाणी की रक्षा कानों से ही हम सुनकर ही स्पष्ट बोलना सीख सकते हैं, स्पष्ट उच्चारण की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए कानों को हिरण्य में होना चाहिए। हिरण धातु का अर्थ है दीप्त होना, शब्द करना। हिरण्य का अर्थ हुआ दीप्त शब्द। कानों को ऐसा होना चाहिए कि वे दीप्त वचन सुने, अनुचित निंदनीय वाणी ना सुने। रप धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना। रप्सुदा का अर्थ हुआ स्पष्ट वाणी देने वाला देने वाले। निरुक्त मही में मह का अर्थ महत्व होना, वृद्धि होना। यज्ञस्य में यज्ञ का अर्थ देव पूजा संगतीकरण दान करना। रप्सुदा रप धातु स्पष्ट बोलना दा देना। अवतम में अव धातु रक्षा करना। गावा में गू धातु शब्द करना। हिरण्या हिरण्य प्रकाश करना शब्द होना। कर्णा में कर्ण धातु सुनना छेदना। अवत में अवकार्थ रक्षा करना। ओम खंभ्र। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 19। ओम गावः उप अवते अवतम मही यज्ञस्य रप्सुदा उभाकर्णा हिरण्यया। गावः वाणिया शब्द, गो का बहुवचन गावा है। गु धातु का अर्थ शब्द करना, गो का अर्थ शब्दशील शब्द करने वाले। उप समीप अवत अवधातु का अर्थ रक्षा करना। तो उप अवत समीप रक्षा करें, अवतम संरक्षण प्रदान करें, रक्षणे की रक्षा करें। कह रहे हैं कि वाणियां हमारे समीप रक्षा करें, वाणियों की रक्षा करें, यह अर्थ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें प्रथमा और द्वितीया कर्ता और कर्म कारक में दोनों में बहुवचन गावा स्वीकार्य है। उप अवत समीप रक्षा करें, अवतम उस रक्षण को रक्षणी की को रक्षा करें। मही महान स्पष्ट है, यज्ञ से यजन का यज्ञ देव पूजा संगति दान करना। देव पूजन संगति दान जैसे सत्कर्मों का रक्षण करें,
रफ्सुदा, जो रफ्सु देने वाले, रफ्सु क्या है ये समझते हैं। रफ्सु का अर्थ है स्पष्ट वाणी, रफ धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना, दा का अर्थ है देना, तो रफ्सुदा का अर्थ हुआ स्पष्ट वाणी देने वाले। परमात्मा ने हमको इतनी स्पष्ट वाणी बोलने की सामर्थ्य प्रदान की है, वो रफ्सुदा है। जो गुरुजन हमें विधिवत इस विद्या को प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं और स्पष्ट उच्चारण करना सिखाते हैं, वे भी हमारे लिए रफ्सुदा। तो कहते हैं ये जो रफ्सुदा हैं, स्पष्ट वाणी देने वाले हैं, वे महान लोग हमारे निकट रक्षणी यजन की रक्षा करें, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। उभा करणा हिरणयया, उभा दोनों, करणा कर्ण द्विवचन में है ये भी, हिरणयया हिरण के द्वारा, हिरणयया तृतीया एक वचन। उभा करणा का अर्थ दोनों कान वाले भी हो सकता है। गावा दोनों कानों से, दो कान वाले गाव बाड़ी। अब वेद में धातु अर्थ हम ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक अर्थों के लिए व्यापक अर्थ स्वीकार करते हैं। लोक व्यवहार में गावा का अर्थ गायें किया जाता है। शब्द करना, शब्द सुनना, गायें शब्द करती हैं, ये पशु गाय शब्दशील है, शब्द कर सकते हैं, हमारे इतना स्पष्ट वाणी नहीं है, फिर भी कुछ शब्द तो करते हैं और हमारी बात सुनते समझते भी हैं। जो गोपालन करते हैं वे अपने, वे गायें पालकों की बात को सुनते समझते भी हैं, तो उनको भी गो कहा जाता है। एक पशु विशेष का नाम गो रख दिया गया। वैसे तो विभिन्न पशु भी शब्द करते हैं अपने अपने तरीके से, केवल गाय ही क्यों, कुछ गुणों लक्षणों के आधार पर किसी का नामकरण कर दिया जाता है, इसे योग रूढ़ अर्थ कहते हैं। अर्थ धातु से बहुत दूर नहीं है, परंतु जब नामकरण कर दिया गया तो लोक में जब हम बात करेंगे तो गो कहने से एक पशु विशेष, प्राणी विशेष का भाव ग्रहण कर लिया जाता है, परंतु जब वेद में हम बात करेंगे तो गो का अर्थ शब्दशील, शब्द करने वाले ही ग्रहण किया जाएगा, कोई पशु विशेष नहीं। सामान्यता वेद में हमारा लक्ष्य परमेश्वर ही होता है, वेद के अर्थ में आध्यात्मिक अर्थ ही महत्वपूर्ण है और उसका लक्ष्य परमेश्वर है, वही शब्द करता है, वेद काव्य का करता है, वेद उसका शब्द स्वरूप है, उस रूप में हम कहते हैं। और जो समाज में उसके उपासक साधक वेद के विद्वान उपदेशक हैं, उनके लिए हम गावा बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में आया है तो कह लें ये परमेश्वर के लिए नहीं, उसके विद्वान उपासकों के लिए होगा, उसके शब्दशील उपदेशक उपासकों के लिए होगा। उभा करना का यही भाव है, दोनों कानों से जो इस वेद वाणी को सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, विद्या को सुनते समझते ग्रहण करते हैं। श्रुणयाम सर्दा सतम भद्रम करणे भी श्रुणयाम देवा, जैसे वेद वचन हम सुनते जानते हैं, हमारे कर्णों की, कानों की सार्थकता इसी बात में है कि हम वेद वाणी को सुने और ग्रहण करें। हिरणयया
हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना मुख्य रूप से और शब्द भी है। प्रकाश करना, शब्द करना, शब्द होना, ये हिरण धातु के अर्थ हैं। हिरण यया यहाँ पर शब्द की बात की जा रही है। गावा में भी हमने शब्दशील कहा, रफसुदा में स्पष्ट वाणी देने वाले कहा, तो हिरणयया में भी शब्द को प्रधानता देते हुए हम शब्द द्वारा वाणी द्वारा अर्थ कर सकते हैं। वैसे प्रकाश द्वारा अर्थ करने में भी कोई हानि नहीं है, स्वीकार कर सकते हैं। हिरण धातु का सामान्यता बहुप्रचलित अर्थ तो प्रकाश से ही है। प्रकाश करना उसका मुख्य अर्थ प्रचलित है, शब्द करना भी अर्थ है। यहाँ पर शब्द करना अधिक उपयुक्त प्रधान प्रतीत होता है, क्योंकि गावा में भी शब्दशील होने का भाव है, रफसुदा में भी स्पष्ट वाणी देने वाले का वर्णन है। तो हिरणयया का अर्थ भी यही हुआ कि वह शब्दों के द्वारा दोनों कर्णों से हमारे निकट जो रक्षणी हैं उसका रक्षण करें, संरक्षण करें, पालन करें, यही इसका भाव है। ये भी छोटा सा गायत्री मंत्र था, आठ आठ वर्णों के तीन चरण गायत्री मंत्र है। प्रयास करते हैं, अगला मंत्र भी गायत्री ही है, छोटा सा मंत्र है, यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 20। ओम यत अद्य सूरे उदिते अनागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगा। छोटा सा मंत्र है, समझने का प्रयास करते हैं। यत जो अद्य आज सूर्य उदिते, सूर्य में उदित में अर्थात उदित सूर्य में, जब सूर्य उदय है उसमें, उस समय में उदित सूर्य में, सूर्य सुधातु ऐश्वर्य प्रसवे अर्थ में है, अर्थात सुधातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सृजन करना है। तो सूर्य का अर्थ हुआ सृजनशील, ऐश्वर्यवान में। सुधातु का अर्थ प्रेरणा करना है, इसमें तो दीर्घ ऊ ही है, तो चाहे तो प्रेरणा का अर्थ प्रमुखता से ग्रहण करें। सूर्य उदिते, प्रेरणा के उदय होने पर, हमारे जीवन में जब कोई सत्प्रेरणा उदय हो जाए, जीवन एक सामान्य सा चलता रहता है, तब किसी कारण से, किसी विद्वान के सदुपदेश से, किसी विशेष घटना से, किसी अपने मित्र परिजन की किसी बात से, हमारे जीवन में अचानक कोई महत्वपूर्ण प्रेरणा उत्पन्न होती है और जीवन को एक दिशा, एक लक्ष्य मिल जाता है कि नहीं, हमारा जीवन अब इस महान कार्य के लिए समर्पित होगा। कहते हैं यत अद्य सूर्य उदिते, आज प्रेरणा का उदय हो जाने पर, हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत से उत्तम वचन प्रेरणाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, इससे हमारे जीवन में एक प्रेरणा का उदय हो जाए और उस प्रेरणा के उदय होने पर अनागा मित्रो अर्यमा, अनागा अन आगा, कल भी ये शब्द आया था संभवता, अनाग अन आग जो निष्पाप है, अकुटिल है, इसकी चर्चा विस्तार से की गई थी। अग धातु में सामान्य गति के साथ साथ कुटिल गति का अर्थ है, उस अर्थ में कहीं ग्रहण करते हैं। अनाग अकुटिल, इसका भावार्थ निष्पाप भी किया गया है।
मित्रो मित्र स्नेही, मित्र धातु है जिसका अर्थ है स्नेह करना, प्रेम होना। तो मित्र शब्द बनता है मित्र स्नेही, बहुप्रचित शब्द है हमारा। अर्यमा तीर्थक धातु से अर्यमा शब्द की निष्पत्ति है। अर्यमा का अर्थ है गति प्रगति। तो निष्पाप अकुटिल मित्र जो प्रगति कारक हैं वही तो हमारे जीवन में प्रेरणा के उदय का माध्यम बनते हैं। कहे इस मंत्र में ये भी कह रहे हैं कि जो अकुटिल हैं, मित्र भाव वाले हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वे आज प्रेरणा के उदय होने पर सूर्य उदिते क्या कहते हैं, सुवाति सविता भागा। क्रिया इसमें सुवाति है, सविता भागा भी उसी का विशेषण है, जो गुण बताए जा रहे हैं किसी साधक उपासक के। अनागा मित्रो अर्यमा सविता भगा, ये सब किसी उपासक के गुण बताए जा रहे हैं। परमात्मा के गुण तो हैं ही, कह सकते हैं इन गुणवाची नामों से, इन गुणों से हम परमात्मा के स्तुत कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, वो तो है ही। परंतु यहां प्रेरणा का उदय हमारे जीवन में होगा, उस परमेश्वर में किस प्रेरणा का उदय होगा, किस प्रेरणा से उसे क्या करना है, वो तो सहज स्वाभाविक रूप से सृजन पालन का कार्य कर ही रहा है। हमारे जीवन में एक होता है कि सामान्य तरीके से जीवन चल रहा है, निरस्ता एक सहज रूटीन जिसे हम कहते हैं चल रहा है, और कहीं से कोई प्रेरणा जगी तो हमारा जीवन वहीं से परिवर्तित हो जाता है, एक अच्छी दिशा मिल जाती है। तो कहते हैं सविता का अर्थ भी सुधातु से ही, सविता शब्द की निष्पत्ति है, सृजनशील ऐश्वर्यशील प्रेरक। भगा भज धातु से भगा शब्द की निष्पत्ति है, भज सेवायाम धातु है, सेवा के अर्थ में भज धातु है, भगा का अर्थ है सेवा करता, सेवावान, सेवा भावना वाले, सेवा भावी, भगा। तो जो अकुटिल हैं, मित्र हैं, अर्यमा प्रगतिशील हैं, सविता सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक हैं, भगा सेवा भावी हैं, ऐसे लोग आज प्रेरणा के उदय होने पर क्या करते हैं, सुवाति। सुवाति में भी वही सुधातु ही तो है, सृजन ऐश्वर्य उत्पन्न करते हैं, वे कुछ सृजन करते हैं, कुछ ऐश्वर्य करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इस मंत्र का केंद्रीय भाव इस प्रकार से समझें कि जो उत्तम स्वभाव वाले जन हैं, सभी गुणों को समेटते हुए हम कह रहे हैं कि जो उत्तम गुणों से युक्त हैं, इसमें अनेक उत्तम गुणों की चर्चा की गई, अनागा अकुटिल निष्पाप हैं, मित्र भाव वाले हैं, अरिमा है प्रगतिशील हैं, सविता सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक हैं, भगा सेवा भावी हैं, ऐसे उपासक आज इस वेद के स्वाध्याय से प्रेरणा के उदित होने पर सृजन करते हैं, ऐश्वर्य करते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा करते हैं, समाज के लिए प्रेरक बन जाते हैं। यह इस मंत्र का सुंदर भाव आज हम ग्रहण करें, हमारे जीवन में उत्तम प्रेरणा प्राप्त हो और हमारा जीवन एक सकारात्मक रचनात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो। इसी भावना के साथ हम अपने व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न विचार जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।
नमस्ते गुरु जी। गुरु जी, इसका भाव हम ये भी ले सकते हैं क्या कि समाज में एक प्रेरक बनने के लिए हमें इन गुणों को धारण करना होगा जो इस मंत्र में बताए गए हैं? बात तो बिल्कुल ठीक है, मंत्र की शैली ही यही है, यही बताया गया है कि जिनके अंदर ये गुण हैं उनके लिए सरलता होती है कि कोई अवसर मिला, हमने आज आपको कुछ बताया, अब आपकी भावभूमि पहले से अच्छी है तो प्रेरणा आपने तत्काल ग्रहण कर ली। अन्यथा कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे उपदेश प्रवचन चलता रहता है, कुछ लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कुछ लोग होते हैं एक बार ही कोई अच्छी बात सुनी और वहीं से उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, एक नई दिशा मिल गई। तो ये गुण पहले से जिनमें हैं स्वाभाविक है उनको प्रेरणा शीघ्र प्राप्त होगी और वे समाज के लिए भी सरलता से प्रेरक बन सकेंगे। तो ये भाव तो है ही कि इन गुणों को हम अपने अंदर धारण करें तो हम भी प्रेरणा ग्रहण कर सकें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। ओम। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरु जी, यहाँ पर मतलब दो मंत्र जी, गुरु जी दो मंत्रों में ये कुटिल गति वाला आ चुका है, तो गुरु जी ये जानना था कि जैसे चाणक्य थे उनको कौटिल्य भी कहा जाता था, तो ये जो कुटिलता है वो पापी लोगों के खिलाफ या फिर कुटिल लोगों के खिलाफ तो ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मतलब कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, पाप नहीं किया, लोगों ने कौटिल्य के नाम से भी जानते थे और समाज में देखा भी जाता है कुटिल के लिए कुटिल बनना भी पड़ता है। निश्चित रूप से ये बात ठीक है, राजनीति में कूटनीत शब्द का प्रयोग भी होता है और इसे बहुत सकारात्मक अच्छे रूप में लिया जाता है, गर्व से कहा जाता है वे बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ, कूटनीति के जानकार हैं, बड़े गर्व से कहा जाता है। राजनीति में ये गुण है, अवगुण नहीं है। जब हम अन्य राष्ट्रों से व्यवहार करते हैं तो हमें ये सारे पक्ष देखने होते हैं कि वो क्या चाहता है, उससे हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये राजनीति कूटनीति पूरी तरह स्वार्थ पर निर्भर होती है, इसमें और कोई नैतिकता नहीं होती। स्पष्ट है दो देशों के जो संबंध होंगे वो दोनों देश अपने अपने हित को देखकर ही कोई संधि करेंगे जिसमें दोनों देशों का अपना हित हो, सभी देश चाहेंगे इसमें हमारा हित अधिक हो जाए, यदि दूसरे देश का हित नहीं होगा तो वो संधि नहीं करेगा, तो दोनों देशों के हित में संतुलन बनाना पड़ता है और इसके लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है कि ऐसी वार्ता में संधि करने में वो अपने देश का अधिक से अधिक हित कर सकें। तो ये एक कुशलता है, रण कौशल है, वार्ता की कुशलता है। तो इस ऐसे कहा जाता है एक कूटनीत के जानकार, ये अच्छे अर्थों में आया। यदि हम अपने परिवार में, मित्रों में, समाज में, हर स्थान पर सज्जनों के साथ कुटिल व्यवहार करने लगेंगे तो यह अनुचित हो जाएगा। वह कुटिलता तो शत्रु की कुटिल चालों से बचने के लिए, उसकी काट करने के लिए वह तो एक रणनीति है, वह कूटनीति एक कौशल है, युद्ध के क्षेत्र में रणनीति युद्ध कौशल के रूप में देखा जाता, परंतु परिवार में, समाज में कुटिलता ना हो, सहजता हो, हम सत्य बोलें, सरल रहें, जो कुछ बात है स्पष्ट कह दें, यह यहाँ पर गुण है। परंतु ये ठीक है युद्ध क्षेत्र में यदि ऐसा करेंगे तो वो हमारी दुर्बलता बन जाएगी, एक प्रकार से दुर्गुण बन जाएगा, तो ये तो अवसर के अनुसार करना ही पड़ता है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये सभी के लिए सत्य है। ओ स्वामी जी, एक मंत्र में एक भाग है,
भागधेयम, इसका अर्थ जानना चाहता हूं मैं। देखिए भागधेयम शब्द का अर्थ, भाग तो जैसे कहा ना भज सेवायाम सेवा, धेयम धारण करना या देना, दोनों अर्थ में आ जाता है। तो सेवा देना, सेवा भाव को धारण करना और दूसरों को सेवा अर्पित करना, सेवा देना, ये भागधेयम का भावार्थ हो सकता है। और इसी भज धातु में एक अर्थ छिपा हुआ है, कह सकते हैं जब हम सेवा देते हैं तो हमारे पास जो कुछ है उसका एक अंश किसी को दे दिया, तो उसका एक अंश अलग हो गया। तो इसी भज धातु से भजन करना अर्थात सेवा करना स्पष्ट है, और विभाजन भी हो जाता है। अपनी वस्तु का एक अंश हमने किसी को दिया या कोई हमने देने के लिए कोई सामग्री एकत्र की है, तो भाई इसको हमें कहाँ कहाँ कितना कितना देना है, तो उसके कुछ भाग अंश कर दिए, तो वो अर्थ भी आ जाता है। तो उस भज सेवायाम धातु में ये अर्थ कह सकते हैं परोक्ष रूप से समाहित है। तो ये कहते हैं ये इनका भाग है, हमने सेवा के लिए जो वस्तुएं एकत्र की तो हमने कहा भाई ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है। परिवार में कहा भाई ये बच्चों का भाग है, ये अतिथियों का भाग है, कोई विवाह कार्यक्रम हुए तो विभिन्न प्रकार के लोग उसमें सम्मिलित हुए, तो सबका भाग अंशदान अलग किया गया। तो जिसको जो सेवा देनी है, जिसके सेवा में जो अर्पित करना है, उसका वो भाग हो गया। तो भागधेयम में ये कह सकते हैं सेवा के जो भाग किए गए, जो भाग इस तरह से निकाले गए, उनको देना धारण करना भागधेयम का ये अर्थ है। मैं समझता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओम धन्यवाद स्वामी जी। महेश जी आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, या और लोग जो भी जुड़े हैं, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, इसका भी जो भी प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं। विशेष रूप से आज जिन मंत्र की चर्चा हुई उनके विषय में कह सकते हैं। तो हाँ बोलकर देखना, यदि कोई प्रश्न आदि न हो तो फिर आगे समापन करें, समय हो रहा है। जी देख लीजिए, किसी का प्रश्न हो तो भी पूछ लीजिए, अन्यथा फिर समापन कर रहे हैं। गुरु जी मुझे एक बात और जाननी थी, जैसे धातु हम लेते हैं तो ये आसपास की धातुएं भी चल जाती हैं या फिर उसका पूरा मतलब वो होना चाहिए? जैसे ये शब्द है अनाग, तो इधर अन तो उपसर्ग हो गया, अग धातु ले तो ये शब्द आग होगा इधर, क्योंकि अनागा किया गया है तो आग होगा, आगा आगा बचेगा, तो इसमें अग धातु ली गई है, तो इस प्रकार कर सकते हैं क्या गुरु जी? हाँ ये प्रश्न और लोगों के मन में भी हो तो इस विद्या को समझ लें, इसी के लिए हम निवेदन करते हैं कि व्याकरण की सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। ये आसपास जैसा कुछ नहीं है, रम धातु से राम बनता है, सुना होगा है ना, रमंते योगिना यस्मिन सा रामा, यो रमति सा रामा, जो रमता है वह राम है, जिसमें लोग रमते हैं वो राम है, और जहां लोग और अच्छी तरह रम जाए वहां आराम है। विशेष रूप से रम गए तो विराम है, देख रहे हैं राम कहां कैसे होता है। धातु रम है, रम धातु से ही राम
आराम विराम बन रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आसपास की धातु वाली बात है, ये व्याकरण के नियम है, हमने आपको बताया है, एक प्रकार से गुण है, आ जुड़ता है, रम है, रम में रा में आप एक पहले से है, एक आ और जुड़ा, तो प्रथम स्वर से पूर्व आ जुड़ता है, तो रम में जो रा है रा के साथ आ है, इस आ से पहले एक आ और जुड़ा, तो दीर्घ आ हो गया, राम बन गया। ऐसे ही भज धातु से भाज भी बन गया, भजन तो बना ही, भाजन भी बना और भाग भी बना, अग धातु से आग भी बना, अग्नि बना, आग्नेय बना, तो वस धातु से वासु बना, वस धातु है वासु, तो धातु चुर है चुराना, चुर धातु से चोर बना। अब कैसे बना, चुर में क्या के साथ ऊ स्वर है, तो इस ऊ से पहले आ जोड़िए, हमने अभी बताया था आ जुड़ा, आ जुड़ा ऊ से पहले, आ और ऊ मिलकर ओ हो गए, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, जो छोटी सी व्याकरण की पुस्तक हमने दी है उतना पढ़ लीजिए, उसमें आपकी भाषा में बताया गया है आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, हमने पढ़ने का इको यड़च नहीं पढ़ाया, तो बिल्कुल आपकी भाषा में व्याकरण समझा दी है, तो उतनी सरल संस्कृत व्याकरण तो पढ़ लीजिए तो ये छोटी मोटी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो सामान्यता ये इस प्रकार से व्याकरण के नियमों के अनुसार बनता है, वही धातु है उसी के ये रूप बने, यज से यजन भी बना और यजन भी बना, वहां पर आ गया या नहीं आया। तो ये जो छोटे से परिवर्तन दिखते हैं, मान लीजिए कि ये कुछ व्याकरण के नियमों के तहत होते हैं, उन व्याकरण के जटिल नियमों में हम आपको नहीं उलझा रहे हैं, तो एक जिसे कॉमन सेंस आप कहते हैं, एक सहज बुद्धि से उस भाव को समझने का प्रयास करें, और छोटी से सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक को केवल एक बार पढ़ जाएं तो बहुत कुछ आ जाएगा, और जहां आवश्यकता होगी उस पुस्तक में आप देख सकेंगे कि ये कैसे कुछ हुआ होगा, है ना। वर्ण परिवर्तन संधि के नियमों से होते हैं, ऋच धातु है, ऋच से ऋचा बनता है, इतना तो ठीक है, अब ऋक बन गया, चा का हो गया ऋक, और वेद जुड़ा तो ऋग वेद काका गा हो गया, चा का हुआ काका गा हो गया, ऋग्वेद बना। जगत शब्द है, उसमें नाथ जुड़ा तो जगन्नाथ हो गया, ताका ना हो गया, गुरु जुड़ा तो जगत गुरु हुआ, ताका जगत दा हो गया, जगत गुरु ताका दा हुआ, ता था दा, और नाथ जुड़ा तो ना हो गया, ता था दा धा ना अंतिम आ गया, तो जगत से जगन्नाथ जगन्नाथ हो गया, गुरु जुड़ा जगत गुरु हो गया। तो ये संधि के नियम है, व्याकरण के नियम है, इतना सामान्य जानकारी हो तो ये भ्रम नहीं होंगे। मैं समझता हूँ आपको और सबको जितना मैंने अभी बताया, निष्कर्ष रूप में केवल इतना समझ लें कि सहज भाव से व्याकरण के नियमों से ये छोटे छोटे परिवर्तन हो जाते हैं, वो किन नियमों से क्या परिवर्तन हुए उतना सब आपके समझ में आए या ना आए, इतना सहज भाव से समझ लें तो आपकी समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाएगा। पहले सरल संस्कृत व्याकरण पढ़ लें, और उसके बाद यदि रुचि और समय हो तो गंभीर पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करें, तो और स्पष्ट होता चला जाएगा। मैं समझता हूँ ये बात आपके लिए और हमारे सभी मित्रों के लिए यहाँ पूरी हो जानी चाहिए। ओ जी, तो फिर समापन करते हैं।
ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ओम आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदिते पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। कल रविवार प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि।